जब तुमने सुना कि मेरे भैया का शाला दूल्हा बनकर के आ रहा है, थोड़ा गौर करेंगे कथा में। रुक्मिणी रोने लगी, धीमे 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 वही दिन आया शादी का। दरवाजे पर एक ब्राह्मण जी आए। ब्राह्मण जी कहने लगे, हमें भिक्षा दे दो। तो रुक्मिणी बाहर निकल करके आई, कहने लगी, पंडित जी आज तुम्हें मेरे यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आज मेरी शादी है। भारी लड़की, आज हमें बच्चा नहीं मिलेगी, आज हमारी शादी है। लड़का और लड़की का सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है उसकी शादी, और तुम कहती हो बच्चा नहीं मिलेगी। रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी मेरी शादी नहीं, मेरी बर्बादी है। क्यों? क्योंकि मेरे भैया का शाला मेरा दूल्हा बनकर के आ रहा है, और पंडित जी मैं बिना उनके किसी को अपना नहीं बनाऊंगी। पंडित जी कहने लगे, मतलब बिना उनके? हाँ पंडित जी। तो किसी और को चाहती है? हाँ पंडित जी। किसे? मैं प्यार कर मंदिर से को चाहती हूँ। बारी लड़की, तूने का नहीं को कहाँ देखा है, और बिना देखे प्रेम हो नहीं सकता है। तो रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी सुनो, मैंने कृष्ण को कब और कहाँ देखा है? Yeah, yeah, yeah.